हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। जिन भी विद्यार्थियों के साथ स्कूल वालों ने रिजल्ट तैयार करने में गड़बड़ी की है, उन्हें जानबूझ के कम नंबर दिए गए जबकि वो अच्छे नंबर ला सकते थे यदि एग्जाम होते तो, जबकि उनका प्री बोर्ड हाफ ईयरली क्लास 10th क्लास 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट स्कूल वालों ने दोस्तों रिजल्ट तैयार करने में गड़बड़ी की है। कुछ स्कूल वाले कह रहे थे कि जो हमने रिजल्ट अच्छी प्रकार से भेजा था तो सीबीएसई ने उसको नंबर कम कर दिए हैं बेस ईयर के आधार पर, रेफरेंस ईयर के आधार पर। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है और उस पर दोस्तों कभी भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसमें वो आप सभी की सारे बातों का जिक्र है जो आप लोगों के साथ घटित हुई है। जैसे हमने कहा कि भाई अगर स्कूल का रेफरेंस ईयर खराब है तो उससे बच्चे का रिजल्ट क्यों खराब कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल कहीं का भी न्याय नहीं है दोस्तों। तो हम कह रहे थे कि हमारे साथ जस्टिस होगा ही दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। जैसे हमने आप सभी से कल ही कहा था कि सीबीएसई भी अब एक्शन में आ चुकी है। सीबीएसई द्वारा जो सेटलमेंट कमेटी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी, उसको लेकर अपना एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उस सर्कुलर में दोस्तों सीबीएसई ने खुद कहा कि अगर हम इस कमेटी के माध्यम से जांच करेंगे, अगर कोई भी स्कूल गलत पाया जाता है रिजल्ट देने में, रिजल्ट बनाने में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता, यदि आप के जो क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास जो प्री बोर्ड है, जो हाफ ईयरली परीक्षा है, उसमें आपके अच्छे नंबर आए, ये सब चेक करने के बाद यदि आपका नंबर बढ़ेगा तो दोस्तों सीबीएसई विदाउट एग्जाम लिए आपका नंबर बढ़ाएगी। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो है अब हमारे फेवर में आनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि कल मैं 6 अगस्त को खुद सीबीएसई ऑफिस जाऊँगा और आप सभी जितनी बातें वहाँ पर रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो इसी तरह आप दोस्तों होप बनाए रखिए, स्टे पॉजिटिव, किसी प्रकार की कोई पैनिक ना ले दोस्तों, सब धीरे धीरे ठीक होगा दोस्तों। यही आपसे मैं कहना चाहता था दोस्तों, यही अभी मुझे खुशखबरी मिली थी, मैं सोचा आप सभी तक शेयर क्यों ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।